जय श्री कृष्णा। माँ अन्नपूर्णा रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुड़ से बना हुआ कैरी का अचार। इसे बनाना बहुत इजी है। हम कैरी के अचार को और भी तरीके से बनाते हैं, आज हम गुड़ के साथ बनाएंगे। चलिए देखते हैं। मैंने 2 किलो कैरी ली थी और इसे अच्छे से धोकर सुखा दिया था। फिर इसके अंदर हल्दी और नमक डाल दिया था। हल्दी मैंने 50 ग्राम ली थी और नमक मैंने 100 ग्राम लिया था। और इसे आप धूप में भी रख सकते हैं। मैंने इसे एक डब्बे में डालकर रख दिया था। और इसके अगले दिन मैंने 2 टेबलस्पून मेथी और 1 टेबलस्पून मैंने सौंफ डालकर इसे अच्छे से चम्मच की हेल्प से मिला लिया था। चम्मच गीला नहीं होना चाहिए, सूखा चम्मच यूज़ में लेना है। और 5 दिन के लिए इसे हम रख देंगे। 5 दिन बाद हम कैरी को देखेंगे और हमारी कैरी देखिए नरम हो चुकी है। और एक छलनी की हेल्प से इसे छान लेंगे और एक प्लास्टिक शीट पर हम इसे सुखा देंगे पंखे के नीचे। 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इसे सुखा देंगे। देखिए पानी निकल चुका है जिसे हमने छाना था। अब हमने यहाँ पर मसाले लिए हैं। 1 चम्मच काला जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 टेबलस्पून राई दाल, 1/2 चम्मच हींग, 2 चम्मच नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1/2 चम्मच से कम अजवाइन, 2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा और भुनी हुई दरदरी मेथी पाउडर लिया है हमने 1/4 कप, भुना हुआ दरदरा सौंफ वो भी 1/4 कप। और हमने यहाँ पर गुड़ लिया है 250 ग्राम, इसे आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 300 ग्राम सरसों का तेल लिया है जिसे धुआं उठने तक गर्म करेंगे। और दो तीन मिनट बाद हम इसके अंदर काला जीरा, सौंफ, जीरा और तेजपत्ता डाल देंगे। अब हम कैरी के अंदर मसाले डालेंगे। हमारी कैरी भी अच्छे से सूख चुकी है और मेथी दाना भी सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे भुनी हुई दरदरी मेथी और सौंफ, भुना हुआ दरदरा पिसा हुआ, ये हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर, नमक डाल देंगे, राई दाल, गरम मसाला और काला नमक और हींग डाल देंगे। अब गुड़ डाल देंगे। गुड़ को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये कैरी पर डिपेंड करता है कि कैरी कितनी खट्टी है, तो आप ज़्यादा गुड़ कर सकते हैं। अगर नॉर्मल है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद हम इसके अंदर तेल डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसे 24 घंटे के लिए ढक्कन लगाकर रख देंगे। 24 घंटे बाद देखिए हमारा अचार तैयार है एकदम। देखिए हमारा अचार कितना अच्छा बना है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब आप इसे एक सूखे कांच के जार में डालकर रख सकते हैं। जार बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, जार धूप में सूखा हुआ होना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।